आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर इन दिनों चर्चाओं में है। दरअसल एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को जो सुविधाएं दी जाती है, पूजा खेड़कर ने उसके विपरीत अपनी लग्जरी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर ही लाल बत्ती लगा ली, अपने दफ्तर का फर्नीचर भी पूरे तरीके से बदल दिया। एक आईएएस ऑफिसर जो कि प्रोविजन पीरियड पर है, उसको कुछ नियमों के तहत अपना जो काम है वो करना पड़ता है, लेकिन पूजा खेड़कर ने उन नियमों को ताक पे रखकर अपनी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा लेना, फर्नीचर बदल देना, कुछ इस तरीके के फैसले लिए जो कि नियमों के बिल्कुल उलट थे। जानकारी ये भी मिल रही है कि पूजा खेड़कर के जो पिता है वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने भी पूजा खेड़कर की मदद करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में दबाव बनाया। आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर इन दिनों चर्चाओं में है, या यूं कहे कि पूजा खेड़कर विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को जो सुविधाएं दी जाती है, पूजा खेड़कर ने उसके विपरीत अपनी लग्जरी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर ही लाल बत्ती लगा ली, ऑडी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा दी। साथ ही पूजा खेड़कर पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि उन्होंने अपने दफ्तर का फर्नीचर भी पूरे तरीके से बदल दिया। आपको बता दें कि एक आईएएस ऑफिसर जो कि प्रोविजन पीरियड पर है, उसको कुछ नियमों के तहत अपना जो काम है वो करना पड़ता है, लेकिन पूजा खेड़कर ने उन नियमों को ताक पे रखकर अपनी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा लेना, फर्नीचर बदल देना, कुछ इस तरीके के फैसले लिए जो कि नियमों के बिल्कुल उलट थे। यही कारण था कि पुणे सरकार ने पूजा खेड़कर का तबादला दूसरी जगह कर दिया। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि पूजा खेड़कर के जो पिता है वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने भी पूजा खेड़कर की मदद करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में दबाव बनाया। अब इन्हीं सब बातों के बीच में पीएमओ ने भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। अब देखना होगा कि पूजा खेड़कर जो कि 2023 बैच की ऑफिसर है, 821वां रैंक उनका आया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नियमों के बिल्कुल उलट जाते हुए प्राइवेट गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा लेना, फर्नीचर का बदल देना और दूसरी चीजों में उनकी संलिप्तता जो है वो पाई गई है, उसको देखते हुए अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर इन दिनों चर्चाओं में है, या यूं कहे कि पूजा खेड़कर विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को जो सुविधाएं दी जाती है, पूजा खेड़कर ने उसके विपरीत अपनी लग्जरी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर ही लाल बत्ती लगा ली, ऑडी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा दी। साथ ही पूजा खेड़कर पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि उन्होंने अपने दफ्तर का फर्नीचर भी पूरे तरीके से बदल दिया। आपको बता दें कि एक आईएएस ऑफिसर जो कि प्रोविजन पीरियड पर है, उसको कुछ नियमों के तहत अपना जो काम है वो करना पड़ता है, लेकिन पूजा खेड़कर ने उन नियमों को ताक पे रखकर अपनी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा लेना, फर्नीचर बदल देना, कुछ इस तरीके के फैसले लिए जो कि नियमों के बिल्कुल उलट थे। यही कारण था कि पुणे सरकार ने पूजा खेड़कर का तबादला दूसरी जगह कर दिया। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि पूजा खेड़कर के जो पिता है वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने भी पूजा खेड़कर की मदद करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में दबाव बनाया। अब इन्हीं सब बातों के बीच में पीएमओ ने भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। अब देखना होगा कि पूजा खेड़कर जो कि 2023 बैच की ऑफिसर है, 821वां रैंक उनका आया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नियमों के बिल्कुल उलट जाते हुए प्राइवेट गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा लेना, फर्नीचर का बदल देना और दूसरी चीजों में उनकी संलिप्तता जो है वो पाई गई है, उसको देखते हुए अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत।